अम्मी 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 क्या हुआ है दादा? मैं आज इतनी खुश हुई, सब छोड़े ना आप। आपको पता है मैं आज पूरी रात नहीं सो सकी, वो लोग शाम में आ रहे हैं। रियान की अम्मी मान गई, रियान के घर वाले मान गए हैं। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ फाइनली मेरा होने जा रहा है। आप मेरा साथ तो देंगी ना? देखिए आपने मुझसे वादा किया था, और अगर आप मेरा साथ देंगी मैं आपको सारी जिंदगी दुआएं दूंगी। वैसे तो मैंने आज तक कोई ख्वाहिश की नहीं है, और अगर कोई ख्वाहिश की है तो वो पूरी हुई नहीं है। रियान मेरी ख्वाहिश है, मेरी मोहब्बत है, आप मुझे शादी करवा देंगी ना? बोले आपने मुझसे वादा किया था। आप वो दरअसल मैं ये कुछ कह रही थी ना, चुप क्यों हो गई? बोलो क्या कह रही थी? अबू वो मैं बोलो अबू मैं और रियान बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो फिर तो वो पसंद करता है मुझे। और तुम शादी करना चाहते हैं मुझसे? और तुम मैं भी, रियान मेरी वाहिद ख्वाहिश है। हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको तो पता नहीं है लेकिन उसकी और मेरी सोच भी बिल्कुल एक जैसी है, और मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुश्मन हूं तुम्हारी खुशियों का? कभी कभी हम अपने एहसासात का इजहार नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर एहसास नहीं है। माना कि तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां नहीं दे सका, लेकिन ये खुशी मैं तुमसे नहीं छीनूंगा। अबू आप मुझसे वाकई इतनी मोहब्बत करते हैं? कहा तो सही है भी, तुमसे दोस्ती नहीं कर सका तो क्या तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा? शोभी को भी इसलिए पसंद किया था कि तुम्हें अपने से करीब रखना चाहता था। खैर अब तो ये लड़का भी मोहल्ले का ही है, रहेंगे साथ, लड़ेंगे झगड़ेंगे। कब आ रहे हैं लोग? आज शाम को आएंगे। वहां से पैसे ले लेना और अच्छा सा इंतजाम करना।